नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनई टीवी और आज की बड़ी खबर हरिद्वार से। यहाँ यूक्रेन से युद्ध के हालातों के बीच एक एमबीबीएस कर रहा छात्र घर लौट आया है। छात्र ने मीडिया से मुखातिब होकर जब यूक्रेन में युद्ध के हालातों का वर्णन किया तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। छात्र ने बताया कि यूक्रेन में रूस से हुए युद्ध के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। रात को मिसाइल और बम की वर्षा एक अलग भयानक नज़ारा पेश कर रहे हैं, तो दिन के समय बड़े बड़े टैंक सड़कों पर घूमते नज़र आते हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में बंकरों के अंदर बहुत सारे छात्र छात्राएं, जिनमें उत्तराखंड के बच्चे भी शामिल हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन में हालात इतने बुरे हैं कि पीने के पानी के लिए भी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं मॉल, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बहुत कम समय के लिए खुल रही हैं, जिससे लोगों को खाने पीने की भी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। छात्र ने बताया कि वह तो यूक्रेन से स्वदेश लौट आया है, लेकिन उसे अपने साथियों की बहुत चिंता है जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से सभी उत्तराखंड व भारतवासियों को एयरलिफ्ट कराने की मांग करी है, ताकि सभी छात्र छात्राएं सुरक्षित अपने घर को लौट सकें। उक्त छात्र ने कई वीडियो और फोटो भी वायरल किए हैं। देखिए हमसे साझा किए गए यूक्रेन के हालातों के एक्सक्लूसिव वीडियो। कुछ मिले अच्छा लग रहा है कि बच्चा घर वापस आ गया। एक्चुअली बहुत दूर भी था, हालात देखकर थोड़े वरीड भी थे हम कि क्या हो सकता है, तो लेकिन अच्छे टाइम पे डिसीजन लेने पे टाइमली बच्चा घर आ गया। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो इसके फ्रेंड्स के मदर्स हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चे फंसे हुए हैं। तो हम यही प्रे कर सकते हैं कि टाइमली वो बच्चे भी, गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि बच्चे सेफली घर आ। हम जब लौटे तो ख़राब होने शुरू हो गए थे, रोड पे सन्नाटा शुरू हो गया था ना, और हमारे कॉलेज वालों ने बोला था कि अब आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, तो हमें थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था कि हालात अब ख़राब हो रहे हैं। और फिर हमने एम्बेसी में बात करी तो उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। उसके बाद उनका ऑफिशियल नोटिस भी आया था। 1, 2, 3, come on!